Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Sir Valentine, बताएं अब आप आगे क्या करेंगे? हे hey, कौन हो तुम? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा आप किसके पीछे जा रहे थे सर वैंडाइन। इतनी भी क्या जल्दी है, उम्मीद नहीं थी तुम इतने बड़े बेवकूफ होगे। कौन हो तुम? ब्लैक मिरर के हाइडआउट पे जाने का रास्ता इस मिरर से है। कोई प्लान बनाए बगैर अंदर जाना ठीक नहीं होगा। डैड सही कह रहे हैं, हम अभी श्योर नहीं है कि उसने जिसन को कैद किया भी है या नहीं। जहाँ तक मुझे याद है उस रास्ते से लॉर्ड अल्टो वो लैब जाया करते थे। चलो दिखाओ। हे गाइस, वहाँ देखो जरा। यही तो है मिस्टर के। ओह मिस्टर के, प्लीज उठिए। मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। तुम लोग भी जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए? इससे पहले ब्लैक मिरर तुम लोगों को भी पकड़ ले। चले जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से जल्दी। मिस्टर के, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। ये तो वैलेंटाइन है। और वो कौन है? मैं हूँ ब्लैक मिरर की हाईएस्ट ऑफिसर जुलूसिया। लगता है ये मिस्टर के की बातों का असर है। चलो फिर, मेरे स्किल्स मेरा इंट्रोडक्शन खुद दे देंगे तुम्हें। सर वैलेंटाइन, हम पर भरोसा रखें। हे, तुम लोग वैलेंटाइन के मुखालिफ तो नहीं हो ना? बपेल और कैरियन, ये तो लॉर्ड अल्टोपो के मकाडिमल थे। लॉर्ड अल्टोपो नाम का कोई शख्स नहीं। अब हम जलोसिया के लिए काम करते हैं। चलो अपना मूव दिखाओ। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ सही कहा तुमने। मेरा अंदाजा सही था, यहाँ पे किसी की फाइट चल रही है। क्या ये मिस्टर के हैं? व्हाट, ये तो मेरे डैड नहीं है। संभाल के डॉक्टर, दैट्स इट, कुछ चल दो इन्हें। बहुत शुक्रिया मैं डॉनी, तुमने मेरी जान बचाई। ये लड़की कौन है? ये वैंडाइन से फाइट करने आई है। क्या कोई चांस है कि ये पार्टनर बन जाए हमारी? हमें तो लगा था कि तुम ब्लैक मिरर के कब्जे में हो, और ये हमारी पार्टनर बनेगी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये काम नहीं करेगा। क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए क्या? तो ये लो इंटेंस विजन। अब और नहीं कर सकती मैं। लगता है आसानी से हार नहीं मानोगे। डोकरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने डोकरी को खो दिया। फिर से एक अच्छे बच्चे बन जाओ। वो फिर नजर आ रही है मुझे। चलो अब बताओ मुझे कि मैं कौन हूँ वैंडाइन। ब्लैक मिरर की हाईएस्ट ऑफिसर, आप लेडी जुलूसिया हैं। ब्रेन वॉश के बाद वैंडाइन बिल्कुल ठीक हो गया। जबरदस्त, क्या पहले ही प्रॉब्लम्स कम थी हमारे पास? लेकिन मुझे अभी डैड को ढूंढना है और अब बेवकूफ, आखिर गेस तो करो कौन है। मेरी तुम सब पे नजर है बच्चों, देखो कौन है मेरे साथ। जेसन, हे तुम्हें देख के अच्छा लगा। क्या डैड? जेसन, मैं तो एक ऊंचे पहाड़ से गिरकर बेहोश हो गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर फ्रैंकलिन से मेरी इस तरह दोबारा मुलाकात होगी। आपको यूं सही सलामत देखकर अच्छा लग रहा है। मिस्टर के, ब्लैक मिरर ने आपको कैप्चर किया, तो फिर बताइए क्या हुआ? हे, मुझे जाने दो, कौन हो तुम? आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर का असल मकसद ये है कि वो बुरी नीयत वाले लोगों को अपना शिकार बनाकर हम जैसे लोगों पर हुकूमत करता है, या फिर उन्हें बुरे काम करने के लिए उकसाता था। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं पता कर पाया। तुम मिकाडिमल्स को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते।
और यही वजह है कि मैंने मिकाडिमल्स को बच्चों की कार्स की शेप दी। मेरे बनाए गए मिकाडिमल्स भी बच्चों की तरह है, जिन्हें मैं किसी शैतान के हाथों इस्तेमाल होने हरगिज नहीं दूंगा। शैतान बच्चे ही मेरा निशाना बनेंगे और मैं ये करके रहूंगा। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हारी सोच कितनी गलत है। और इसीलिए ब्लैक मिरर अपने मकसद के लिए वैन डाइन जैसे बच्चों का इंतखाब करता है। मैंने खुद को ब्लैक मिरर से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तुम मेरे कब्जे में रहोगे। मैं तुम्हें अपने काबू में करके सारे मिकाडिमल्स को, और अब से तुम मेरे गुलाम हो। मैं मिस्टर के से लॉर्ड अल्टोबो बन गया और बहुत से नए मिकाडिमल्स बनाए। लेकिन मैं खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं डैड। आपका ब्रेन वॉश किया गया था, आप खुद को उन चीजों के लिए जिम्मेदार ना ठहराएं। मिस्टर के, कुछ है जो आपने हमें नहीं बताया। दरअसल उसका इरादा ये था कि 30 मिकाडिमल्स को जमा करके एक आर्मी तैयार की जाए। शुरू शुरू में तो ऐसा ही था, और फिर एक दिन मुझे पता चला कि तो मेरा अंदाजा ठीक था, लेकिन वो तो अभी डिजाइन ही हो रहा था। आखिर बात क्या है, हम सबको क्लियर बताइए। वो एक सीक्रेट वेपन है जो इसलिए बना था कि अगर मिकाडिमल से जंग ना जीती जाए तो उसे इस्तेमाल किया जाए। उसका नाम है मेगा ड्रैगन। ये मिकाडिमल पूरे 30 मिकाडिमल्स की पावर रखता है, लेकिन ये इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। मैंने आखिर ये मिकाडिमल्स क्यों बनाए? जेसन, क्या तुम भी वही सोच रहे हो? वो वही था पैरामिड के अंदर, मैंने खुद देखा था उसे। हाँ वही था मेगा ड्रैगन। वो वाहिद मिकाडिमल है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content, and don't forget to press the bell icon to never miss an update.